हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम देखेंगे सीएसएस बैकग्राउंड, जिसमें हम देखेंगे बैकग्राउंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती क्या है? टू शॉर्ट एंड द कोड, इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन द सिंगल प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, पहले हमने देखा था कि बैकग्राउंड को कलर चेंज करना, बैकग्राउंड के इमेजेस चेंज करना, उसको रिपीट और फिक्स करना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी पिछले वीडियोज़ में। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक ही बार में एक संग लिख सकते हैं, तो आपका जो कोड है वो शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कैसे हम कर सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड, उसके बाद कलर, उसके बाद यूआरएल। ये किस ऑर्डर में रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा सबसे पहले कलर, फिर इमेज, फिर रिपीट, फिर अटैचमेंट, फिर पोजिशंस। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सामने लिखा हुआ हैश FFFFF। तो ये जो लिखा हुआ है वो कलर के लिए लिखा हुआ है, इमेज के लिए यूआरएल लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके बाद लिखा हुआ है रिपीट, या फिर रिपीट करना है या फिर नहीं करना है, हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है या फिर वर्टिकली रिपीट करना है, जो कि सब चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखा है। और फिर अटैचमेंट करना है और या फिर पोजिशंस करनी है, यहाँ पर राइट टॉप पोजिशंस लिखी हुई है। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे, देखते हैं एक नोट पैड पर एग्जाम्पल बना के। इसके लिए हम अपना नोट पैड खोलेंगे। नोट पैड में आप किसी भी CSS को लिखने के लिए सबसे पहले हम स्टाइल यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग टैग, और क्लोजिंग टैग के लिए हम स्टाइल लिखेंगे। इसके बाद अगर आपको बॉडी को चेंज करना है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का सबसे पहले हम देंगे इसका कलर, तो कलर हमारा हो सकता है रेड। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इमेज लिखा हुआ है, तो इमेज हमारा URL दे सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज का URL दे सकते हैं, और हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे सेव है logo.png। तो logo.png हम लिख सकते हैं लोगो, और इसका एक्सटेंशन है png। इसके बाद अगर हम ऑर्डर देखें, तो ऑर्डर लिखा हुआ है रिपीट। आपको रिपीट कराना है या फिर नहीं कराना? हम रिपीट नहीं कराते हैं, तो नो रिपीट। इसके बाद आपको फिक्स करना है कि नहीं करना है, हम फिक्स कर देते हैं और लिखते हैं राइट टॉप, राइट टॉप। तो इस तरह से आप एक ही बार में सब कुछ लिख सकते हैं, और उसे हम सेव करेंगे, देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है। इसे हमने सेव करा है css background shorthand .html से। तो इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने css background shorthand .html से सेव करना ज़रूरी है, ताकि आपका जो फाइल है वो html में कन्वर्ट हो जाए। इसे हम सेव करेंगे, हमारा ऑलरेडी सेव है। इसे हम ओपन करेंगे, बैकग्राउंड शॉर्ट एंड, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसे देखेंगे, सामने आपका लिखाई दे रहा है, ये रेड हो चुका है और आपका ये फिक्स हो चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं CSS बैकग्राउंड। ये रेड हो चुका है जो कि हमने इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड और रेड हो चुका है। URL लोगो हमने यहाँ पे दिया है, लोगो देख सकते हैं, रिपीट नहीं कर रहा है, फिक्स हो चुका है और राइट टॉप पे है हमारा। तो इस तरह से आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, CSS बैकग्राउंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कोड को शॉर्ट करने के लिए इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको बैकग्राउंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइड, मीट मी ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, so please comment, like and share with your friends. Thank you.